हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और हम आ गए हैं इस बुक के सेकंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 23 पर। और चैप्टर नंबर 23 क्या है बच्चों? पंक्चुएशन। ओके, सो देयर आर सम पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों आपको पता होगा, हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। सो ये सारे मार्क क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क। ओके, पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ सिंबल यूज्ड इन राइटिंग टू हेल्प अ पर्सन रीड सेंटेंसेस बेटर। ओके, तो पर्सन के लिए इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाता है पंक्चुएशन के साथ। सो पंक्चुएशन क्या होता है? इस सेट ऑफ सिंबल्स, दे आर एवरीथिंग इन रिटन लैंग्वेज अदर देन द एक्चुअल लेटर्स और नंबर्स। सो ये हैं हमारे प्रिंसिपल पंक्चुएशन मार्क्स। ये सबसे कॉमन होते हैं कैपिटल लेटर। ओके, सेंटेंस कैसे स्टार्ट करते हैं हम? कैपिटल लेटर से। फुल स्टॉप एंड कैसे करते हैं? फुल स्टॉप से। क्वेश्चन मार्क जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों जब हमें कोई सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखानी होती है, एक्सप्रेशन शो करना होता है। और कॉमा जब हमें कोई लिटिल पॉज लेना होता है, राइट? चलिए, सो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैपिटल लेटर के बारे में। सो वी यूज द कैपिटल लेटर व्हेन वी बिगिन अ न्यू सेंटेंस। जब हम एक नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से। एग्जांपल, चार्ली इज प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्वियसली। सो चार्ली का सी हमने कैपिटल बनाया है। और जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तब भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे आई हैव विजिटेड न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी, सो हमने कैपिटल लेटर में लिखा कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, तो कैपिटल लेटर कैसे? जब हम सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं तब हम पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं और प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। नाउ फुल स्टॉप, वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। जब हम एक सेंटेंस को एंड करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे रवि गोज टू मार्केट, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म है यहाँ पर। तो हमें समझ आ जाता है कि सेंटेंस फिनिश हो गया है। क्वेश्चन मार्क, हम जब क्वेश्चन कोई पूछते हैं सेंटेंस में तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इज तान्या एट होम? सो इस क्वेश्चन मार्क से वी कम टू नो दैट दिस इज अ क्वेश्चन। एक्सक्लेमेशन मार्क, वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मार्क होता है एक्सक्लेमेशन का, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जो भी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है उसके लिए क्या लगता है बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ टेस्टी डिश इट इज, बड़ा मज़ा आ गया डिश को खा के और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि हम एक्सप्रेस करें कि बहुत टेस्टी है, तो हमने क्या किया? एक्सक्लेमेशन लगाया, व्हाट अ टेस्टी डिश इट इज। चलिए अब कॉमा, जब हम लिस्ट ऑफ थिंग्स बताते हैं सेंटेंस में, हमने कॉमिक कॉर्नर में भी किया था पिछले चैप्टर्स के पहले, तो आपने वहाँ पर सीखा था कि जब आपको एक लिस्ट बतानी है चीज़ों की तो हम कॉमा लगाते हैं बिटवीन द वर्ड्स इन द लिस्ट, ताकि हमें पता चले कि ये अलग अलग हैं। जैसे कि आई रीड, ड्रॉ, राइट एंड प्ले इन द स्कूल। अगर हम लिख देंगे आई रीड, ड्रॉ, राइट एंड प्ले इन द स्कूल, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? सो वी बॉट पेंसिल्स, बुक्स एंड क्रेयॉन्स फ्रॉम द शॉप। तो हमने शॉप से तीन चीज़ें ली, पेंसिल, बुक्स, क्रेयॉन्स। अब हम उन्हें अलग अलग कैसे शो करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यस, नाउ दीज आर द एक्सरसाइजेस। री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क। हमें यहाँ पर जो ज़रूरी पंक्चुएशन मार्क हैं वो लगाने हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना है सेंटेंस। माय फेवरेट फुटबॉल प्लेयर इज बैंचुइंग बूटिया। सो माय फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, सो कैसे? एम को कैपिटल कर लेंगे और ये नेम है सो ये भी कैपिटल होगा, राइट? याद रखना है ना, प्रॉपर नाउन वुड बी कैपिटल, राइट? मीरा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। सो आई, सबसे पहले तो फुल स्टॉप आपको याद रखना है सेंटेंस के बाद। मीरा एंड आई, आई इज द फर्स्ट पर्सन, हमेशा कैपिटल में आएगा। मीरा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स।
फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप लगा देते हैं. फेब्रुअरी, ओके, स्पेशल नेम ऑफ अ मंथ, प्रॉपर नाउन, सो फेब्रुअरी, और सेंटेंस स्टार्ट भी फेब्रुअरी से हो रहा है तो हमें कैपिटल लेटर लगाना है. मिस ऋषिका अरोरा टीचेस अस इंग्लिश, सो फुल स्टॉप. मिस ऋषिका अरोरा, राइट, सो टीचेस अस इंग्लिश. सब्जेक्ट को भी हम हमेशा, बिकॉज स्पेशल नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, सो हम इसको प्रॉपर नाउन है तो हम इसे कैपिटल में लिखेंगे, राइट. पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई आर इम्पॉर्टेंट सिटीज, फुल स्टॉप. सो तीन सिटीज की बात हो रही है. अब पुणे और कोलकाता को हम कैसे डिफरेंट करेंगे, बिकॉज कोलकाता और चेन्नई के बीच में तो एंड आ गया है, राइट. लेकिन पुणे सबसे पहले तो हम इन्हें कैपिटल में लिखेंगे, बिकॉज ये क्या है, प्रॉपर नाउन. और इसे कैसे करेंगे हम डिफरेंस, कॉमा से. पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई आर इम्पॉर्टेंट सिटीज, राइट बच्चों. आ गया समझ में, चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे. चलें, चलिए. पुट अ फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इन द गिवन सेंटेंसेस. वी स्टडी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस एट स्कूल, राइट. जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ओके. व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा, राइट. शी इज सच अ नाइस गर्ल, शी इज सच अ नाइस गर्ल. चलिए, शी इज सच अ नाइस गर्ल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड वेल डन, ओके. चलिए आगे चलते हैं. Now, rewrite the this paragraph using correct punctuation mark and capital letters. मैं आपको यही करके दिखा देती हूँ, ओके. फिर आप इसे rewrite करेंगे अपनी notebook में. पंडित जवाहरलाल नेहरू, so पंडित जवाहरलाल नेहरू was born at Allahabad. This is a city, Allahabad, on November 14. 1889, full stop, sentence khatam. He was sent to England to study law, full stop. He returned to India in 1912. Then again, he came under the influence of Mahatma Gandhi, right, full stop. He joined the Indian National Congress. He became the first Prime Minister of Free India. Prime Minister of Free India. He died on 27th May 1964. Full stop. Okay. He was very wise, comma, intelligent and good person. His daughter Indira Gandhi was also like him. May his soul rest in peace. Okay? So, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर इसे correct करके दिखाया है. अब आपको इसे rewrite करना है बच्चों, ठीक से. सो आई होप कि आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स क्लियर हो गए होंगे, ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.